नगर पालिका ने जरूरतमंद लोगों को राशन किया वितरित। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा नगर पालिका प्रांगण में पालिका अध्यक्ष और सभासदों के सहयोग से 150 लोगों को राशन वितरित किया गया है। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। देखिए, आज आपने जो है कई लोगों को राशन बांटा है, जिसमें रिक्शे वाले हैं और पटरी वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से आप इस तरीके मतलब इस कोविड में आप लोगों की सहायता करते हैं? देखिए, आज नगर पालिका द्वारा अपने पर्सनल संसाधनों द्वारा सभी सभासद भी इसमें शामिल है, सबके द्वारा जितने भी शहर के गरीब रिक्शा वाले थे, मजदूर थे, उनको राशन वितरित किया गया। और हमारी कोशिश है कि हर संभव जो शहर का गरीब तबका है उसको मदद करी जाए। और हम कोशिश करते हैं कि बिना फोटो खिंचाए और बिना किसी को मीडिया में दिए, वो तो आप लोग यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन हमारा हमेशा से ये एक वो रहता है कि हम किसी की भी मदद करें बिना किसी को फोटो खिंचाए। और हर जो गरीब आदमी शहर का है उसको हम लगातार मदद आगे भी करते रहेंगे, चाहे वो पटरी वाला हो या फिर छोटा दुकानदार हो। आगे नगर पालिका एक अभियान सब सभासदों को लेके मिलके चलाने जा रही है, जिसमें शहर का जो गरीब तबका है उसको मुफ्त राशन नगर पालिका द्वारा दिया जाएगा। ये बात तो जरूरी है, हमें सूत्रों से भी हवाले से भी पता हुआ है कि आप लगातार कंटिन्यू लगे हुए हैं और आप फोटो नहीं खिंचा रहे हैं, तो ऐसा क्या? देखिए, नगर पालिका लगातार लोगों की सहायता कर रही है। हमने फ्री एम्बुलेंस सेवा चालू करी है, नई एम्बुलेंस नगर पालिका में आने वाली है, स्वास्थ्य के लिए हमारी नई डिस्पेंसरी तैयार हो रही है। और जहाँ तक राशन की बात है, जितना गरीब तबका है, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि शहर के हम प्रत्येक व्यक्ति को इसमें राशन उपलब्ध कराएंगे, चाहे हमें किसी भी संसाधनों से इकट्ठा करना पड़े, लेकिन हम मसूरी शहर के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। अभी एक चीज और उठ रही है कि जो सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर माननीय मंत्री जी ने बेड तो लगा दिए हैं, लेकिन वहाँ दवाइयों को टोटा पड़ा है। बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी मंत्री जी से बात करूँगा कि दवाइयों के टोटे के साथ साथ और भी बहुत सारी कमियाँ उसमें नज़र आ रही है। वहाँ पे सुबह का खाना नहीं मिल पा रहा है मरीजों को, वो किसी संस्था द्वारा किया जा रहा है, कायदे से वो हॉस्पिटल को देना चाहिए। और भी छोटी मोटी वहाँ पे जो स्टाफ है, स्वीपिंग स्टाफ है, उसकी शॉर्टेज है। तो मैं मंत्री जी माननीय मंत्री जी से मांग करूँगा कि जो भी असुविधाएँ वहाँ पर हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 18 से 44 वर्ष की उम्र के जो वैक्सीनेशन यहाँ पर शुरू हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला सा लग रहा है कि जो एमपीजी कॉलेज के अंदर जो है मसूरी के लोगों को कम और बाहर ऋषिकेश और देहरादून के लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दी जा रही है, जिससे कि ये लगता है कि यहाँ पर कोविड फैलाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। और जितने भी शहर के लोकल लोग हैं उन्हें प्राथमिकता वैक्सीनेशन पे दी जानी चाहिए। और क्योंकि मसूरी एकमात्र सेंटर वैक्सीनेशन का है, तो मैं जो प्रशासन है डीएम साहब से मांग करूंगा कि जो मसूरी का जो स्लॉट बुक किए जा रहे हैं उसमें जो मसूरी वाले हैं उनको मसूरी वालों को ही प्राथमिकता दी जाए, बाहर के लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता ना दिया जाए, क्योंकि मसूरी में एक ही सेंटर है। और मैं आज ये भी बोलना चाहूँगा कि जब तक मसूरी के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, मैं स्वयं वैक्सीनेशन नहीं कराऊँगा, जब तक हर व्यक्ति मसूरी का वैक्सीनेट नहीं हो जाता, उसी के कंप्लीट होने के बाद मैं अपना स्वयं वैक्सीनेशन कराऊंगा। अभी जी, मैं आपके सुझाव देना चाहते हैं, जैसे हमारी नगर पालिका के सभासद ने एक बात डाली, पोस्ट डाली कि यहाँ आधार कार्ड के और पिन कोड के आधार पर जो है वो वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सही बात है। आधार कार्ड और पिन कोड के आधार पे या राशन कार्ड हो, इस बेसिस पे वैक्सीनेशन होना चाहिए। और वार्ड वाइज ये वैक्सीनेशन होना चाहिए, प्रत्येक वार्ड में टर्न वाइज नंबर आएँ और लोग वैक्सीनेट कराएं। अब 100 तो 200 उसमें वैक्सीन लगनी होती है, उसमें भी सब बाहर के लोग आ जाते हैं, तो कैसे हमारे शहर के लोग वैक्सीन कराएंगे? जहाँ मसूरी इतना पीड़ित है, इतने सारे लोग यहाँ पर कोरोना के केसेज हैं, तो मसूरी को विशेष ध्यान देते हुए, क्योंकि पर्यटक स्थल भी है, लोग आते जाते भी हैं, तो विशेष तौर पर यहाँ पे विशेष ध्यान देते हुए जो वैक्सीनेशन हो रही है वो केवल मसूरी वालों के लिए होनी चाहिए। कि जिस तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, डॉक्टरों की कमी है और जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए सतीश जी, सबसे पहले तो आभार व्यक्त करती हूँ सभी संस्थाओं का, मंत्री जी का, कि सभी की तरफ से हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित सभासद और सभी समाजसेवी संस्थाएं मिलकर इसमें प्रयास रहते हैं कि लोगों को सेवाएं पहुंचाई जाएं। लेकिन एक पीड़ा है हमारी,
क्योंकि मैं देख रही हूँ मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ कहा जा रहा है कि नगर पालिका कुछ नहीं कर रही है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि शहर में प्रत्येक घर से घर घर से कूड़ा जा रहा है। इस समय में सफाई व्यवस्था की बहुत अति आवश्यकता है, वो नगर पालिका के माध्यम से ही हो रहा है। एम्बुलेंस चली है, निःशुल्क एम्बुलेंस, कभी भी आप आधी रात को भी कोई फ़ोन करता है तो वो नगर पालिका के माध्यम से ही चल रही है। इसी के साथ साथ हमारे जो अधिकारी हैं वो क्षेत्र में जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं वो भी क्षेत्र में जा रहे हैं। सिर्फ इतना है कि हम लोग फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं। आज भी जो सेवाएं हम यहाँ दे रहे थे नगर पालिका के माध्यम से, उसमें भी आप लोग स्वयं पहुँच गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मीडिया या किसी उस चीज़ में अपनी सेवाओं को दिखाते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, अगर आप ज़मीन पे काम करोगे तभी तो होगा। मैं आपको कल का ये केस बताती हूँ। पेशेंट सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे लेकिन फिजिशियन नहीं है वहाँ पे, तो डॉक्टर उनको रेफ़र कर देते हैं वहाँ पे देहरादून। तो नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष जी, अपने सभी सम्मानित सभासद लोग, प्रयास की टीम, ये सब मिल के प्रयास कर रहे हैं कि पेशेंट को सही इलाज मिल पाए सही समय पर। बहुत अच्छा है कि यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन एक रिकमेंडेशन फिर आ ही जाता है कि जब उनको दून में या फिर कहीं और रेफ़र कर दिया जाता है पेशेंट को, तो आगे की व्यवस्थाओं के लिए नगर पालिका प्रयासरत है और आगे भी करती रहेगी। ये काम हम धरातल पर कर रहे हैं, बस तस्वीरें नहीं खींचते हम लोग। मैडम एक बात चीज़ है कि जब कोविड नहीं भी था और सिविल अस्पताल में जब भर्ती किया जाता था तो खाना वहीं से मिलता था, लेकिन ऐसे दौर के अंदर जो है मरीज भूखे मर रहे हैं, खाने नहीं मिल रहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छा याद कराया। सभी सम्मानित सभासद अध्यक्ष जी और अधिशासी अधिकारी और प्रयास की टीम, हम लोग मिलके ये सेवा भी प्रदान कर रहे हैं कि जिन पेशेंट को यहाँ से देहरादून रेफ़र कर दिया जाता है, अटेंडेंट को रोज़ आने जाने में बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है, तो अटेंडेंट के लिए और पेशेंट्स के लिए हम समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ के उनको वहाँ पर खाने की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। तीनों समय का खाना उनको वहाँ पर पहुँचाया जाता है।